तो जी फाइनली दर्शन करके आ गए। अब चल रहे हैं लक्ष्मी जी के मंदिर की तरफ आगे। बस यहाँ से आगे से लेफ्ट फिर सीधा। और हम पहुँच जाएंगे मंदिर की तरफ। पूरे डाकोर में छोटे बड़े काफ़ी अच्छे मंदिर हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हो। पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा शायद। ये भगवान बोधाना जी का स्थल है, मंदिर है जो भगवान जी के साथ, इनके साथ भगवान जी यहाँ पर आए थे डाकोर में। ये पूरी एक स्टोरी टाइप है कैसे भगवान द्वारकाधीश डाकोर आए भगवान बोधाना जी के साथ में। सो जी ये है गोमती तालाब जहाँ पर बोधाना जी ने भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति को छुपाया था पानी में। उसके बाद में खुद भगवान यहाँ से निकले थे। बोटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। काफ़ी अच्छा बड़ा है ये, बहुत दूर तक है यार। पूरे में घाट बना हुआ है, आप आके यहाँ बैठ सकते हैं। सो यहाँ पर छोटी मछलियाँ होती हैं, उन्हें लोग यहाँ पे आके खाना खिलाते हैं। आप भी खिला सकते हो। अच्छा घाट है पूरा, यहाँ पे लोग नहाते हैं, सब करते हैं। अभी जो ये तालाब है इसे थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है। अगर आपको बोटिंग करनी हो तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है यार। वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पे। अभी शायद वो बंद हैं बट आप आ सकते हो यहाँ अच्छे से। और दूसरी बात यार, पानी में गंदगी मत फेंको आप, प्लीज़ गंदगी मत फेंकें। जो आप मछलियों को यहाँ आटा जो देते हैं बाउल में, वो पब्लिक यहीं पानी में फेंक देती है भाई। बाहर डस्टबिन है वहाँ रखो। बस यार यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ की रेडी हो रही है, प्रिपरेशन चल रही है। बोटें वगैरह लगने लग गई हैं, बलून वगैरह को इन्फ्लेट किया जा रहा है। आ रहे हो तो एंजॉय कर सकते हो यार आप। बस गंदगी ना करो यार, गंदगी ना करो प्लीज़। अपने घरों गंदा करते हो क्या? साफ रखते हो ना घर? ये भी रख लो यार, घर ही तो है ये भी। ये तो भगवान का घर है यार, इसे तो साफ ही रखो। सो हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं डाकोर से दोबारा रिटर्न वडोदरा के लिए। फिलहाल जो टाइम हुआ है वो है 8:55 और यहाँ से वापस से डेढ़ घंटा लगेगा, तो 10:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे लगभग। तो फाइनली हम लोग उमरेट और भालेज को क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। बस अब चल रहे हैं आगे थोड़ी दूर, और लगभग 4 किलोमीटर बाद हम लोगों को मिल जाएगा एक्सप्रेसवे। आगे दोनों तरफ ग्रीनरी तो देख ही रहे हो आप। प्लांटेशन, ये बनाना का प्लांटेशन है लेफ्ट साइड के अंदर जो आप देख रहे हो। बनाना का प्लांटेशन काफी मिलेगा आपको इस रोड के ऊपर। इवन मैंगो के काफी सारे फार्म्स हैं यहाँ। और इस रोड के ऊपर सीएनजी पंप्स भी अवेलेबल है, तो अगर आपकी गाड़ी अगर सीएनजी है और अगर आ रहे हो कम सीएनजी है, आप भराना भूल गए हो घर पे से, तो यहाँ पर भी आके भरवा सकते हो। रास्ते में है 3-4 पंप तो हैं अवेलेबल, और कुछ 1 या 2 पंप पे अभी वर्किंग प्रोसेस में है, तो जल्दी हो सकता है शायद आने वाले 6 मंथ्स में वो भी ओपन हो जाएंगे। सीधे जाते हैं तो शायद अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, कंफर्म नहीं हूँ बट हाँ जहाँ तक है शायद अहमदाबाद जाता है। ये रास्ते आगे कहीं होंगे। पहले जो ये रोड था ये सिंगल ही था, कंप्लीट सिंगल था, और वायरिंग का जो प्रोसेस का काम चल रहा था वो लास्ट 1.5 या 2 साल से चल रहा था और कहीं ज़्यादा से। अब पूरा मिट्टी वगैरह डाल के काफ़ी अच्छी तरीके से ऊंचा तो कर दिया है, बस रोड बननी रह गई है, तो वो भी आने वाले कुछ महीनों में बन जाएगी, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये भी 4 लेन हो जाएगा, वेल
वडोदरा एक्सप्रेसवे। फाइनली बस यहाँ से मुझसे 100 मीटर होगा, 100-200 मीटर बस, सामने जो ट्रक दिख रहे हैं वहीं चलना है एक्सप्रेस वे पे। ये फ्लावर देख रहे हैं पूरे में पिंकी पिंक फ्लावर है, एक अलग लुक प्रोवाइड कर रहे हैं भाई एकदम एक्सप्रेस वे को। पिंक, ऑरेंज, व्हाइट, डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स हैं। सो अगर आप लोग अहमदाबाद से आते हो तो वडोदरा की तरफ में, तो आनंद के बाद ही आपको ये पेट्रोल पंप मिलता है रिलायंस का। सेम आप अगर वडोदरा से अहमदाबाद जा रहे हो तो अहमदाबाद के पास मिलता है, सो पहले भाई भरा लेना। रेस्ट एरिया वगैरह भी आपको यहाँ मिलता है आराम से, आप रेस्टोरेंट वगैरह टाइप पे फास्ट फूड मिलता है तो आप जा सकते हो। ऐसे नमूने मिलते हैं कुछ, ये इको वाले जो होते हैं ना स्पेशली, इनसे काफ़ी दूरी बना के चलना चाहिए। ओके, ये बहुत गंदी तरीके से ड्राइव करते हैं, सबसे भयंकर तरीके से। अब पीछे पूरा इसने ब्लैक करा के रखा है, अगर मेरा जेट ब्लैक तो क्या दिख रहा है इसे, कुछ नहीं दिख रहा, आंख बंद करके चला रहा है वो। तो यही है भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इस तरफ में काम चल रहा है उस वाले सेक्शन में, मतलब दूसरी साइड जो है वो ओवरब्रिज वो काम बन चुका है, और यहाँ पे रैंप वगैरह का काम बस चल ही रहा है। रैंप पे एंट्री कट तो यहाँ पे बन चुका है, अगर आप वडोदरा से आ रहे हो तो एंट्री हो जाएगी, और अगर अहमदाबाद से आ रहे हो तो ये वाली कुछ एंट्री रहने वाली है यहाँ से। आ गया है लगभग 8 किलोमीटर बचा है यहाँ से, और फटाफट से देते हैं टोल और निकलते हैं आगे। यहाँ तो फटाफट से निकल गए यहाँ पे, बाकी कभी कभी तो यहाँ पे बहुत देर लगती है, कभी कभी तो ऑलमोस्ट हर बार देर ही लगती है, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में, बिकॉज अहमदाबाद से काफी लोग आते हैं इसलिए। जी यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो उम्मीद है पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दो भाई, अभी भी नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा दो। और काफ़ी ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी भी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई, एक ही बार दबाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, दबा दो यार एक बार। जब हम लोग आए थे तब टेम्परेचर था 29 के आसपास था, 28-29 था इसी रोड पर, अब इसी रोड पे हो गया है 36 डिग्री, अभी 35 था अभी 36 हो गया। जैसे जैसे सिटी की तरफ बढ़ेगी ग्रीनरी कम होती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और अभी तो भाई 10 भी नहीं बजे सुबह के। ये जो सामने थार चल रही है ये ओल्ड जनरेशन वाली थार है, और कितनी मस्त लग रही है एकदम, 4x4 ओल्ड जनरेशन वाली है ये, आप में से तो जबरदस्त बनाई है। अरे मॉडिफिकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं लोग, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हैं जो कंपनी नहीं करके देती। वेलकम टू वडोदरा भरूच टोलवे,
और हार्डली यहाँ से हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे हमारे डेस्टिनेशन घर पहुँचने में। सो जी, याद अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल के सपोर्ट और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक ही बार दबाना भाई, दबा दो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, राइट साइड में आना रेड कलर का दबा दो भाई, दबा दो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हाँ सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़।